तो आज गन्ने चुसाए जा रहे हैं बच्चों को, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। कोका कोला ठंडा कोल्ड ड्रिंक ये पीने की बजाय आप गन्ने चूसिए। इसकी एक विशेषता, आगे ना जाओ बेटा, इसकी विशेषता ये होती है कि अगर आप इसको पीते हैं तो जिसको जॉन्डिस होती है ना, जॉन्डिस पीड़िया, वो रोग कभी नहीं होता लाइफ के अंदर। दूसरा ये बहुत अच्छी दांतों में भी होती है। आज सभी बच्चों को हमने गन्ने चुराए हैं, दिखा दे रही। सभी बच्चों को रतन जी आगे ना जा, कुछ बताओ सर, आगे ना जाओ, आगे ना जी शर्माओ मुझे। सबसे बढ़िया चीज़ है हाँ जी गन्ना, जूस पीने के बजाय गन्ना चूसा जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया है। दांत भी साफ होते हैं, मजबूत भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। इससे जो जो विदेश में पैसा जाता है ना, आप जूस वगैरह रियल फ्रूट जूस वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो बहुत ज़्यादा बचेगा जी, बिल्कुल बचेगा, इकोनॉमी सुधरेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी भाई, जो बेचारे काम धंधा करते हैं रेडी वाले उनके लिए भी अच्छा है। तो कई फायदे हैं इसके। और ये नेचुरल शुगर होती है चीनी, आप ये लीजिए, आप चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए, आप शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, इसी से निकलती हैं सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा होता है। और किडनी के लिए भी, पथरी में भी गन्ना चूसना जो अच्छा बताया जाए, किडनी की सफाई करता है ये, ठीक है। देखो छोटी सी बच्ची भी कोशिश कर रही है गन्ना चूसने, दिव्यांशी ये भी कोशिश कर रही है गन्ना चूसने की, इसको भी इसके फायदे पता है, ठीक है। तो भाई साहब सभी गन्ना चूसिए, सर्दियों में तो भी मज़ा आता है, ठंडा ठंडा जूस लगता है, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। जिसको खून की कमी होती हो वो पूर्ति करेगा। और इसकी एक ट्रिक होती है, अगर और भी मजे लेने हैं ना, ऐसे ऊपर नमू खो जूस को इकट्ठा करो, ऐसे करो, बड़े मज़े आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार दिखा दे बच्चों को, बाय बाय, ओके बाय।